तो स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम जावा में अपने जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको पढ़ लिया था कि जावा में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से थे, हम वहाँ पे ओपन करते हैं अपना विंडो जहाँ पे हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। प्रिमिटिव डेटा टाइप का हमारे पास होगा ये, देखिए यहाँ पे। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। डेटा टाइप्स पहले हमें पढ़े क्या था, डेटा टाइप्स होते हैं कि जो एक वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी वो उस वेरिएबल का डेटा टाइप है। और डेटा टाइप में फिर हमने जो अपने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे अपने, एक प्रिमिटिव और एक डेराइव डेटा टाइप्स पे। प्रिमिटिव में हमने ये पढ़ा था, ये देखिए आप, बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग कैरेक्टर फ्लोट डबल बुलियन। इसमें हमने पढ़ लिया था एक बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग ये इंटीग्रल डेटा टाइप्स होते हैं। कैरेक्टर वाले में कैरेक्टर स्टोर होता है, फ्रैक्शनल में फ्लोट और डबल होते हैं, बुलियन हमारा ट्रू और फॉल्स टाइप का होता है। तो ये हमारे सारे डेटा टाइप्स थे जो हमारे पास अवेलेबल हैं जावा में, जो बेसिक डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। और दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो था डेराइव डेटा टाइप्स। तो उसको चलिए देखते हैं कि डेराइव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेराइव डेटा टाइप्स, डेराइव डेटा टाइप्स इसमें कौन कौन से आते हैं, स्ट्रिंग हो गया आपका, एरे, क्लास और इंटरफेस। ये बेसिकली आपके जो डेराइव डेटा टाइप्स हैं उनको हम बात करते हैं इसमें, ये चार कैटेगरीज में। स्ट्रिंग्स, एरेज होती हैं, क्लास होते हैं और इंटरफेस होते हैं। अब यहाँ पे हम उनकी साइज के बारे में नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डेटा टाइप्स वो होते हैं जो जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनको यूज करके बनाए जाते हैं। मतलब कि आपको पास इंटीजर का है, इंटीजर का साइज और 4 bytes होती हैं, लॉन्ग की आपके पता 8 bytes होती हैं। अब आपको यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक एरे बनानी है तो वो एक एरे अगर आप इंटीजर की बनाएंगे तो आप उसके हिसाब से हो जाएगा साइज, कितने इंटीजर आप उसमें डालना चाहते हैं, ये सब चीज़ें इन पर साइज डिसाइड करेंगी। तो ये ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम प्रिमिटिव वाले डेटा टाइप्स को यूज करके खुद से बनाते हैं। तो इस पे हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इनकी साइज क्या रखना चाहते हैं, इसका नेम क्या रखना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। क्लासिफिकेशंस ये हैं, स्ट्रिंग है, एरे है, क्लास है और इंटरफेस है। इनका नाम हम अपने हिसाब से अलग अलग रख सकते हैं जो भी बनाएंगे। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें बेसिकली अपने प्रिमिटिव्स के बारे में पहले पढ़ना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करना है अपने प्रोग्राम में। जब हम वो अच्छे से जान जाएंगे फिर हम इनके बारे में भी आएंगे। और अभी मैं आपको आगे, सबसे पहले हम प्रिमिटिव वाले के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से, बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग कैरेक्टर बुलियन और फ्लोट और डबल। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हम चलते हैं अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं, किसमें, जावा में। और जावा में प्रोग्राम अपना लिखेंगे हम कौन सी आईडीई में, अपना VS Code वाली ID यूज़ करेंगे हम, और उसमें एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम वेरिएबल्स में डेटा टाइप्स के साथ में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, ये हम क्लोज करेंगे। देखिए हमारा एक प्रोग्राम जो हमने पहले यूज़ किया है वो खुला है पहले से। ठीक है, क्या था हमने, देखिए हमने क्या अभी इंट ए और इंट बी बनाया था हमने, हमने वहाँ पे कहा था कि आपको अभी डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहाँ पे डिटेल में जाइए। अब आप समझिए यहाँ पे कि इंट ए और इंट बी ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि हम ये जो ए और बी को डिक्लेयर कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ हैं। देखिए क्या होता है कि हम अभी बात किए, हम पिछली क्लास में हम बात किए हैं कि इंटीजर अगर हम ए या बी या 20 या 30 हम स्टोर करते हैं तो उसका हमारा काम जो बाइट वाला डेटा टाइप है उसी से हो जाएगा, हमारा एक बाइट में ही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे जो बेसिक डेटा टाइप जो यूज़ करते हैं नॉर्मल प्रोग्राम में वो एक इंटीजर यूज़ करते हैं। क्या होता है इससे कि अगर यूज़र मान लीजिए हम बाइट हम लेकर चल रहे हैं कि हमें 20 हमने स्टोर किया है, ऐसा आप प्रोग्राम आप बनाएंगे आगे कि जिसमें आपको वैल्यूज यूज़र से एंटर करानी है कि भैया आप डालिए आपकी सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से हम आपको डिसाइड करेंगे कि आपको इतना टैक्स देना है। सपोज़ एक प्रोग्राम ऐसा बनेगा जैसे हम प्रोग्राम बनाए कि आपको सैलरी अपनी आप डालिए, इनकम आप अपनी डालिए, उसमें आपका हम टैक्स प्रिंट करके देंगे, आपको इतना परसेंट पे आपको इतना टैक्स देना है। प्रॉब्लम क्या होगी कि वहाँ पे हम अगर बाइट वाला लेकर के चलेंगे तो हमारा डेटा इसे कहते हैं ओवरफ्लो हो जाएगा,
मतलब केवल 8 बिट में स्टोर होगा, बाकी डेटा हमारा स्टोर हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम सेफ होने के लिए कि हम लॉन्ग भी नहीं यूज़ करते कि बहुत ज़्यादा हम स्टोरेज छकाएं, हम क्या छोटा सा स्टोरेज लेके एक 4 बाइट का स्टोरेज लेके चलते हैं। तो एक वेरिएबल यहाँ पे 4 बाइट का स्टोरेज लेगा। तो बेसिकली जो हम डिफॉल्ट यूज़ करेंगे नंबर्स के लिए, नंबर्स स्टोर करने के लिए, वो इंट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा, यहाँ पे आएं, पता होगा आपको तरीका, ये फाइल वाले बटन पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है आपको, और नाम मैं इसको क्या दूंगा, डेटा टाइप्स डॉट जावा, याद है ना, पहले डेटा टाइप्स का नाम लिखते हैं और फिर लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है वो डेटा टाइप्स नाम, वो डॉट जावा एक्सटेंशन होता है। देखिए वीएस कोड की ऑटो कंप्लीट, इसने हमने जान गया कि हमको क्या बनाना है, एक फंक्शन, एक मतलब क्लास बनानी है जिसका नाम होगा डेटा टाइप्स। तो इसने डेटा टाइप नाम की क्लास अपने आप दे दी। अब देखिए जो कमेंट का यूज़ है, कमेंट्स का भी यूज़ करके हम बताते हैं कमेंट्स का यूज़ कैसे करेंगे। जैसे अब कमेंट्स के मैंने बताया था आपको कि क्या होता है यूज़, हमने अब कुछ स्पेशल लिखना है, मतलब कुछ अलग लिखना है, कोई जो हमारे प्रोग्राम का पार्ट एक्चुअली में नहीं है लेकिन प्रोग्राम के बारे में कुछ समझाना है हमने यूज़र को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना कमेंट्स का। तो जैसे हम यहाँ पे कमेंट में डालता हूँ एक सिंगल लाइन कमेंट, क्या लिखूँगा, और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने प्रोग्राम में ऐसे पार्ट्स को सबसे पहले यहाँ पे एक कमेंट दीजिए स्टार्टिंग में कि क्या है प्रोग्राम, किस लिए आप बना रहे हैं, उसको लिख दीजिए। उसके बाद आपके अगर कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम आ रहा है, आपको लग रहा है कुछ ऐसा लिख रहा है जिसको आप समझाना चाह रहे हैं यूज़र को, हो सकता है यूज़र वहाँ पे, या यूज़र नहीं क्या कोई दूसरा प्रोग्रामर, या आप ही कभी बाद में पढ़ना चाहें तो आपको कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए आप कमेंट्स डालना एक अच्छी बात आदत मानी जाती है। तो स्टार्टिंग में हम कमेंट अब हम प्रोग्राम में अभी करेंगे कि जो भी नया प्रोग्राम हम बनाएंगे उसमें हम कमेंट करके सिंगल लाइन में एक लिख देंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, किस लिए प्रोग्राम है। तो एक कमेंट लगाया मैंने और यहाँ पे सिंगल लाइन में लिखूंगा प्रोग्राम, किस लिए प्रोग्राम है भाई, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट वेरियस डेटा टाइप्स इन जावा, ठीक, वेरियस डेटा टाइप्स इन जावा, ठीक है, TYPE इन जावा, ठीक है। अब इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे कि वेरियस जो हमारे अलग अलग डेटा टाइप्स हैं उनको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला वाला हमारा तो यही है, क्या करेंगे, अब याद है ना, पहले क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा हमारा, कौन सा, मेन। तो वीएस कोड के लिए हम केवल लिखेंगे मेन और एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें बना के दे देगा मेन फंक्शन हमारा, ठीक है। याद रखिए अगर आप एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, नोट पैड या वर्ड पैड, वहाँ पे आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं दी जाती है, वहाँ पे आपको ये पूरा खुद से टाइप करना होगा, क्योंकि हमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम समझ चुके हैं कि मेन का क्या यूज़ है, इसीलिए हम ऑटो कम्प्लीट फीचर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप मेन कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आपको केवल इतना पता है कि भाई हम MAIN लिखेंगे और वी एस कोड हमें देगा, क्योंकि हर जगह आपको हो सकता है वी एस कोड ना मिले। एक नॉर्मल आप जब शायद प्रैक्टिकल कर रहे होंगे या प्रैक्टिकल के लिए आपको दिया जाएगा तो हो सकता है आपको वी एस कोड ना दिया जाए, आपको एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर दिया जाए कि भैया इसमें आप प्रोग्राम लिख के रन कराओ, तो वहाँ पे आप वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप सिंटैक्स से आपको सिंटैक्स की आदत होनी चाहिए। यहाँ पे चूंकि हमें मेन अपना काम करना है, प्रोग्राम पे फोकस करना है, हमें मेन वहाँ पे मेन वगैरह लिखने में अपना टाइम नहीं देना है, तो इसलिए हम ये ऑटो कम्प्लीट फीचर का यूज़ कर रहे हैं। तो मेन में आप देखिए, हम मेन हमारा फंक्शन बन गया, और याद है ना कि जो काम हमारे होते हैं, कोई अगर हमें कोई काम, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम फंक्शंस के अंदर ही करते हैं, फंक्शंस के बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो काम हमें करना है तो हमें क्या करना है कि कुछ प्रिंट कराना है, कोई वैल्यू अगर एंटर करनी है। आप वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन केवल कर सकते हैं, कि आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं वो आप फंक्शन के बाहर कर सकते हैं, लेकिन उनका यूज़ वगैरह आपको यहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं एक प्रोग्राम का, इसमें एक फंक्शन, एक वेरिएबल बनाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक कमेंट करके लिखता हूँ, क्रिएटिंग एन इंटीजर वेरिएबल। आपको वेरिएबल से, आप वेरिएबल के बारे में हम जान चुके हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वैल्यू ऐसे एंटिटीज होते हैं जिनमें हम कोई वैल्यूज स्टोर करते हैं। वेरिएबल कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है आपको। अगर आपने वो नहीं दिखा, पहले आप वो वीडियो देखिए कि हमने पूरा देखिए कि हार्डवेयर में कैसे उसको, जो चिप्स होती, उसमें जो हमारे स्विचेज होती हैं,
कैसे स्विचेस को 0 1 बना करके हम वैल्यूज स्टोर करते हैं, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा जो हम कह रहे थे इंट ए इक्वल्स 10, जो मैंने बार बार उस वीडियो में कहा है उस क्लास में कि आप जैसे मैं ये लाइन जैसे लिखूंगा इंट ए इक्वल्स 10, आपके दिमाग में वो पूरी पिक्चर बन जानी चाहिए कि हाँ मैं ये क्या हो रहा है एक्चुअली में। और एक चीज और हमने सीखी थी कि इसका जो एक्चुअल तरीका है वो हम ऐसे अगर लिखें तो और भी अच्छा है, क्या ऐसे a इक्वल्स 10, मतलब अलग लाइन में आप उसको लिखिए, आपका जो वैल्यू है वो आप अलग लाइन में दीजिए। तो इंट a लिखा और a इक्वल्स 10 लिखा हमने, क्या हुआ कि a नाम का एक वेरिएबल बना। वही तरह आप पूरा प्रोसेस आप दिमाग में चलाइए कि कैसे वेरिएबल बना, एक वैल्यू हुई, मैं एक बार ब्रीफली उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसे एक वेरिएबल बनेगा। सिंपल सा है, वेरिएबल बनने के लिए क्या करना होगा, ये आप क्या करेंगे सीधा जो एक जो आपका प्रोग्राम होगा जाके एक ऐसे मेमोरी लोकेशन बनाएगा। लोकेशन कैसे बनती है, वो ऐसे स्पेसेस बनते हैं वो मैं आप बता चुका हूँ। फिलहाल हम यहाँ क्या देखें, एक वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन बनाएगा, उसका नाम देगा ए और सेकेंड लाइन में उसकी वैल्यू उसमें 10 दे देगा और ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा कि मुझे इसमें केवल इंटीजर टाइप की वैल्यूज डालनी है। अगर मैं यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, अगर आप मैं आपको यहाँ पे फ्लोट टाइप की एक वैल्यू डालूँ तो तुरंत प्रोग्राम एरर देगा। करते हैं पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले a इक्वल्स 10 हमने लिखा, प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, और यहाँ पे हम a लिख देते हैं, ठीक। अभी a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा, हमको रन कराते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं। सबसे पहले CLS से क्लियर, CLS से क्लियर। तो अब आइए ये जो प्रोग्राम है इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा हमें पता है कि सेट क्या करना है, हमें सीधा अपना प्रोग्राम में सबसे लिखना है, सबसे पहले जावा लिखना है और अपने प्रोग्राम का नाम डेटा टाइप्स डॉट जावा। देखिए यहाँ पे जावा डेटा टाइप्स, डेटा टाइप की स्पेलिंग गलत हो गई, जावा डेटा टाइप्स जावा, ठीक। तो ये कंपाइल हो गया है और यहाँ पे हमारी डेटा टाइप्स डॉट क्लास नाम की एक फाइल, बाइनरी फाइल बन के आ गई है। अब इसको रन कराते हैं, जावा डेटा टाइप्स। देखिए हमारा प्रोग्राम रन क्या हो गया, 10 हमारा जो 10 वैल्यू है वो प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। अब इससे क्या समझ में आता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, सक्सेसफुली रन हो गया है। अब चलिए करते हैं कि एक और वेरिएबल बनाते हैं, एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं बी और उसमें वैल्यू हम सपोज स्टोर करते हैं 3 पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे हम वही चीज़ अब बी को प्रिंट कराते हैं, देखिए बी को प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल से सेव किया हमने, सेव कर दिया प्रोग्राम अपना। अब यहाँ पे चलते हैं, अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये लिखा हमने यहाँ पे, देखिए कंपाइल जैसे हमने किया, जो हमने एरर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो देखिए यहाँ पे आया, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, इस लाइन पे दिखा रहा है फ्लोट बी इक्वल्स 3.4। देखिए ये लाइन इसमें बता दी, ऐसे आप अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आप ये भी समझ लें कि एरर्स को आप कैसे दूर करना है, कैसे पहचानना है। क्या होता है कि आपको जिस लाइन में एरर दिखाता है आपको, या तो उस लाइन में आपने एरर की है या उसके पहले एक या दो लाइन में आपको एरर मिल सकती है, ढूंढने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लाइन पे एरर क्या दिखा रहा है, डेटा टाइप्स डॉट जावा में ये 7, आपको ध्यान से देखिए क्या लिखा है, डेटा टाइप्स डॉट जावा, उसमें जो लाइन ये 7 वाला है 7th लाइन में बता रहा है यहाँ पे एरर है। और एरर क्या बता रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, इसका मतलब क्या है कि आपने जो कन्वर्जन किया है वहां पे आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये बता रहा है। और गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू है, जो प्रिसीजन है आपका, उसका लॉस हो सकता है। आपको समझिए इसका बात क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे ये चीज। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा वही तरीका एरर निकालने का, एरर ढूंढने का, कि एरर या तो उस लाइन में है या उस लाइन के एक या दो लाइन ऊपर में है, ठीक है। देखते हैं, देखिए 7 वाली लाइन में दिखा रहा है, वीएस कोड आपको यहाँ पे लाइन नंबर बगल में दे रहा है, ये लाइन नंबर हमने नहीं दिखा है और ना ये प्रोग्राम का पार्ट है, ये वीएस कोड खुद से दिखा रहा है। क्या हमने लिखा है 3.4 और उसको बी में असाइन किया है, भाई क्या समस्या है,
बी तो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, फ्लोट आपको पता है ना, जिसमें एक आप कैसी वैल्यू रखते हैं, डेसिमल वाली वैल्यू, जिसको हम नॉर्मल डेसिमल वैल्यूज बोलते हैं, मतलब जिसमें डेसिमल वैल्यूज हम पॉइंट लगा के स्टोर करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जावा में जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो डिसाइड है, जो डिफाइंड है कि ऐसी अगर आप कोई वैल्यू लिखेंगे 3.4, 4.5 ऐसे, तो वो एक्चुअली में डबल टाइप की होती है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, डबल टाइप्स की, डबल टाइप मतलब 8 बाइट्स की होती है। लेकिन हम उसको कर क्या रहे हैं, उसको फ्लोट में असाइन कर रहे हैं। जावा तो यही जानता है कि भाई ये एक डबल टाइप की वैल्यू है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि आपको अगर कुछ नहीं बताया जा रहा है, सिंपल एक डेसिमल नंबर आपको दिया है, तो उसको आप डबल टाइप की वैल्यू मानिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो समस्या आ गई आपको। अब क्या कर रहे हैं हम, जब इसको ये वैल्यू इसमें फ्लोट बी में हम असाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको 4 बाइट में जाना है, तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको एरर दे रहा है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर आप एक डबल वैल्यू को एक फ्लोट में, मतलब आप एक बड़ा कंटेनर है, आपको एग्जाम्पल समझ देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल सर आप समझिए। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर है हमारे पास और एक छोटा कंटेनर है। ये मान लीजिए है 20 लीटर्स का, ये 20 लीटर्स का है और ये हमारा 5 लीटर्स का है, 5 लीटर्स का है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे हमारा पानी थोड़ा हमने रखा है, इस कंटेनर में थोड़ा सा हमने पानी भरा है, और ये पानी कितना है, ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर, ये पानी 1 लीटर है। हम इसको अब क्या कर रहे हैं, हम इस कंटेनर से पानी उठा करके इसमें डाल रहे हैं, यहां से पानी निकाल करके इस कंटेनर में डाल रहे हैं। यही चीज हम कर रहे हैं, वहां पे एक जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 3.4 जो वैल्यू है, ये एक डबल टाइप की वैल्यू है, जो 8 है जिसका साइज, मतलब जिसका साइज 8 बाइट्स होता है, उसको हम बी में असाइन कर रहे हैं, जिसका साइज कितना होता है, 4 बाइट्स। क्या होता है कि डबल का जो प्रोसीजर होता है, मतलब आप डेसिमल के बाद कितने नंबर्स लिख सकते हैं, वो 15 डिजिट्स का होता है, तो आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन फ्लोट में आप केवल 6 डिजिट्स लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि वो यहाँ पे आपको ये चीज़ लिख करने से मना कर रहा है। जावा को ये नहीं पता है कि आपने यहाँ पे 1 लीटर ही पानी डाला है। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 20 लीटर का भले कंटेनर हमारे पास है, हमने पानी तो 1 लीटर ही रखा है, उसके बाद उसको हम एक 5 लीटर के कंटेनर में डाल रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर 1 लीटर पानी है तो इजिली 5 लीटर वाले कंटेनर में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई, अब ये सोचिए आप, ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए कि ये कंटेनर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअली में अंदर कितना पानी है, और आप फिर ये करने, क्या आप ऐसे हिम्मत करेंगे करने की? अब वो तो अलग बात है कि आप उठाएंगे, आपको समझ में आएगा भरा है कि नहीं भरा है। फिलहाल मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा है वेट से, तो क्या आप उठा के डालेंगे? आपको ये डर बना रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंदर क्या कितना पानी है, कि ऐसा हो सकता है कि 5 लीटर पानी आए, यहाँ पे हो सकता है 15 लीटर पानी भाई रखा हो, तो 5 लीटर पानी तो आएगा, बाकी 10 लीटर बाहर गिर जाएगा। आपको ये नहीं पता है कि ये 1 ही लीटर पानी है। सेम प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा ये जो वैल्यू है, एक डबल टाइप का वैल्यू है, जो एक्चुअली में जावा में डिफाइंड है यही है कि अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू मिले तो वो डबल टाइप की वैल्यू है, उसको हम फ्लोट में रख रहे हैं। अब जावा को ये नहीं वहाँ पे वो ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे 3.4 एक इतनी छोटी वैल्यू है कि वो फ्लोट में भी आ जाएगी। उसको ये नहीं पता, वही कि उसको ये नहीं पता है कि कंटेनर में 1 ही लीटर पानी है, जो आराम से 5 लीटर वाले कंटेनर में आ जाएगा। उसको ये डर बना है कि हो सकता है इसमें 15 लीटर पानी हो, 5 वाले में ना आए। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि हो सकता है उसमें ऐसी वैल्यू हो, क्योंकि ये डबल टाइप का वैल्यू है, मतलब इसका जो कंटेनर होगा, जो वेरिएबल, वो एक डबल टाइप का बड़ा वेरिएबल होगा, तो वहाँ पे डर है कि ये वैल्यू यहाँ पे आप डालते समय हो सकता है आपका प्रिसीजन लॉस हो जाए, मतलब आप कुछ वैल्यू खो दें, क्योंकि उसमें उतनी ही वैल्यू आ पाएगी जितना फ्लोट की साइज होती है, डबल की साइज के बराबर की वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। लेकिन जब हमें बताना है कि नहीं भैया, हम जो फ्लोट यहाँ पे लिख रहे हैं, ये बगल में इतनी छोटी वैल्यू है कि ये फ्लोट में आराम से आ जाएगी, उसके लिए क्या करना है, आपको ये लिखना है F, एक सिंबल F लिखना है। F लिखने से क्या मतलब है, आप वो जावा तुरंत यहाँ पे समझ जाएगी, देखिए एरर वहाँ पे जो zigzag लाइन आ रही थी वो हट गई है, समझ जाता है वहाँ पे कि यहाँ पे भाई ये हम लिटरली सेम में फ्लोट ही रख रहे हैं, सच में हम फ्लोट ही रख रहे हैं, मतलब ऐसी वैल्यू है जो कि फ्लोट के जो रेंज होता है फ्लोट का, उससे ऊपर नहीं जाएगी। ये बताने का ये तरीका है, आप एफ लिख दीजिए। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके रन इजीली कर सकते हैं। देखिए कंपाइल, इसको हमने सेव नहीं किया, सेव करते हैं कंट्रोल एस से, फिर से यहाँ पे चलते हैं, टर्मिनल क्लियर करते हैं।
cls से, फिर कंपाइल करते हैं इस कमांड से। देखिए इजीली कंपाइल हो गया, क्योंकि क्यों, क्योंकि हम यहाँ बता चुके हैं कि ये भाई एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ये आप आसान आराम से उसमें डाल सकते हैं। अब वो उसको फ्लोट में रख दे रहा है बी में। अब हम इसको रन करते हैं, क्या लिखेंगे, डॉट जावा हटानी है लास्ट से, और यहाँ से जावा में जावा लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे 3.4 लिख के आ गया, तुरंत 3.4 इजीली प्रिंट हो गया। इसी तरह आपको अगर कोई और वेरिएबल बनाना है, अब हम इंटीजर और फ्लोट के बारे में समझ चुके हैं कि फ्लोट टाइप कैसे रहता है, अब और वेरिएबल बनाते हैं। देखिए आपका हमने जो वेरिएबल्स लिखे थे उनको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ से ये क्या क्या थे, बाइट, इसके लिए आप क्या कीवर्ड यूज करते हैं, बाइट, ये वर्ड लिखते हैं बाइट बनाने के लिए, शॉर्ट, शॉर्ट, इनके लिए सेम रहता है। इंटीजर जो आप लिखते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू बनाते हैं, इसको हम लिखते हैं इंट से, केवल सिंपल int। लॉन्ग टाइप की वैल्यू बनाते हैं, इसको long, सिंपल लॉन्ग लिख देते हैं। फ्लोट टाइप की वैल्यू बनाते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम देख चुके हैं फ्लोट ही लिखते हैं, float, फ्लोट। डबल टाइप की वैल्यू बनाएंगे, उसको भी डबल ही लिखेंगे। अंतर कहाँ कहाँ आ रहा है, एक इंटीजर में आ रहा है, और एक अंतर कहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर जो हम बनाते हैं, कैरेक्टर, इसका हम केवल ये लिखते हैं char, कैर, केवल इतना लिखते हैं कैरेक्टर बनाने के लिए char। और जो बूलियन वाला एक हमारा था, याद है ना, बूलियन जिसमें ट्रू या फॉल्स होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, बूल, bool। तो बाकी सब में आपको वही नाम लिखना है जो उसका डेटा टाइप का एक्चुअल नाम है, बस आपको चेंज क्या करना है, ये अपर केस जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर है फर्स्ट लेटर, उसको आप शॉर्ट लेटर बना देना है, मतलब स्मॉल लेटर बना देना है। कैपिटल एस को हम स्मॉल एस लिखते हैं, कैपिटल बी को स्मॉल बी कर दिए हैं, कैपिटल एल को स्मॉल एल, कैपिटल एफ को स्मॉल एफ, कैपिटल डी को स्मॉल डी, सेम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बाकी जो इंटीजर, कैरेक्टर और बुलियन है, यहाँ पे लिखने का क्या तरीका है, इंटीजर को आप आई एन टी लिखते हैं, स्मॉल आई से स्टार्ट करेंगे, आई एन टी लिखेंगे। दूसरा आप कैरेक्टर को सी एच ए आर यानी खाली कैर लिखेंगे, स्मॉल सी से स्टार्ट करेंगे, फिर बुलियन को आप बूल लिखेंगे, स्मॉल बी से स्टार्ट करेंगे, केवल बूल तो लिखेंगे, ठीक है, ये तरीका है। और ये क्या है एक्चुअली में, इनको हम बनते हैं आगे, हम अभी पढ़ेंगे कीवर्ड्स, ये क्या है कीवर्ड्स, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, और ये कैर, बूल, ये सारे हमारे बूलियन को हम बूलियन ही लिखते हैं, जावा में बूलियन को बूलियन ही लिखते हैं, स्मॉल बी से लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे स्मॉल बी से, और क्या लिखेंगे, बूलियन, पूरा का पूरा लिखेंगे, बूल नहीं लिखेंगे। बूल हमारी अलग लैंग्वेजेस जो होती हैं, जैसे पाइथन यूज होता है, या फिर और कोई लैंग्वेज है, वहाँ कई ऐसे लैंग्वेज होती हैं जो यहाँ पे बूलियन को केवल बूल लिखती हैं बस, बाकी उसके पूरा वैल्यूज ने पूरा वैल्यूज उसमें नहीं देती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जावा में, लेकिन हम याद रखना है जावा में बूलियन का बूलियन ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे जावा में जो बेसिक हम लिखते हैं अपने डेटा टाइप्स, और उनको यूज करने के लिए जो हमारे कीवर्ड्स बनाते हैं हम, वो कीवर्ड्स थे हमारे। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे, इसको क्लियर करते हैं। अब फ्लोट के लिए हमें समझ में आ गया, इंटीजर के लिए समझ में आ गया, अब फटाफट क्या करते हैं, हर डेटा टाइप का एक एग्जांपल लिखते हैं। ये आपको और आगे क्लियर होंगे जब आप धीरे धीरे प्रोग्राम्स बनाएंगे, जब आप अलग सब सारे डेटा टाइप्स का आप फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सबका एक एक एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पे कॉमेंट में मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग ये वेरिएबल, आ वेरिएबल ऑफ ईच डेटा टाइप, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ ईच डेटा टाइप। तो हमने इंटीजर यहाँ पे बना के दिखा दिया इंट ए, दूसरा फ्लोट भी हमने एक में ही बना दिया, ए बी सी करके हम चलेंगे, और तीसरा रहेगा इंटीजर फ्लोट हो गया बाइट का, ठीक है, जो नॉर्मल बाइट में होता है। देखिए बाइट ऑटोमेटिक कंप्लीशन दे रहा है, बाइट सी, इसका हम वैल्यू क्या लेंगे, देखिए इसमें हम नॉर्मल वैल्यू हम 10 20 इजीली स्टोर कर सकते हैं,
10 इजीली स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है, और 2 की पावर 8 जो होती है वो क्या होती है, 2 की पावर अगर हम 8 तक जाना चाहते हैं तो क्या रहेगा हमारा 256, मतलब बाइट में हम मैक्सिमम 256 वैल्यूज डाल सकते हैं, 256 तक वैल्यू डाल सकते हैं। बाइट में डाल दिया हमने, और बाइट हुआ शॉर्ट डी, और इसका नाम क्या हो, इसके वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसमें 256 से बड़ी ऊपर या 512 तक डाल सकते हैं। ओ 256 अगर इसमें वैल्यूज थी तो यहाँ पे 2 बाइट होती है, मतलब 16 तक यहाँ पे डाल सकते हैं, 2 पावर 16, और 2 की पावर 16 कहाँ तक जाएगा, 10 में 1024 होता है तो 32,000 के आसपास हो जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ पे डी में हम क्या डालेंगे, कोई वैल्यू, सपोज हम यहाँ पे छोटी वैल्यू डालेंगे, 45 हमने डाल दिया। और इंटीजर का हम एग्जांपल यहाँ पे देख ही चुके हैं, इंटीजर ए, लॉन्ग का देखते हैं, लॉन्ग में क्या डालेंगे, लॉन्ग में भी कोई वैल्यू डाल देते हैं। चलो हम यहाँ पे बेसिक ये दिखा रहे हैं कि आप नॉर्मल उनको लॉन्ग, वेरिएबल का नेम ई है हमारे, कैसे वेरिएबल्स बनाएंगे। लॉन्ग लिख के हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया ई, ये आ गया। फ्लोट का भी बन चुका है, यहाँ से क्या करते हैं कि इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हमारे जो इंटीजर डेटा टाइप्स थे इंटीग्रल, वो यहाँ पे बन गए। अब इस लाइन से हम अपने जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होते हैं, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होते हैं, उनके डेटा टाइप्स बनाएंगे, मतलब उनके डेटा टाइप्स के वेरिएबल बनाएंगे। तो फ्लोट भी हमारा बन गया 3.4। फिर अब देखिए डबल, मैं लिखूंगा डबल, ई तक हमारा बन गया था एफ, एफ का वैल्यू इसमें क्या डालें। अब देखिए यहाँ पे मैं वही 3.4 वैल्यू यहाँ पे स्टोर करूंगा जो उसमें स्टोर किया, लेकिन यहाँ पे एफ नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली में एक डबल की वैल्यू है, उसको डबल वाले में डाल रहे हैं। 20 लीटर का कंटेनर है, उससे पानी उठा के 20 लीटर के कंटेनर में डाल रहे हैं, तो आप 20 में अगर पूरा का पूरा 20 भरा होगा तो भी आराम से 20 वाले में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, डबल हो गया। अब कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए केवल कैर लिखेंगे, कैर में एफ तक हो गया हमारा एफ जी। देखिए जो अजीब से हैं ए बी सी डी एफ जी, ये भी एक मैसेज है, मतलब एक सीख है, उसके लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। कैर जी लिखना मैंने, इसमें वैल्यू हम क्या डाल देंगे, देखिए नॉर्मल वैल्यूज जो आप देते हैं ऐसे नॉर्मल जिसे वेरिएबल्स रखते हैं वैसे देते हैं, कैरेक्टर में कुछ स्पेशल आपको दिख रहा होगा अगर आपको आपने देखा हो, मैं लिखा है यहाँ पे, मैं लिखूंगा ए, ठीक। और फिर बुलियन में, बुलियन एफ जी तक हमारा हो गया एच, इसमें लिख देंगे हम ट्रू। अब देखिए आप कैरेक्टर टाइप के जो वैल्यूज होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, जो भी एक सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा, ए बी सी डी आप पूरा लिख सकते हैं, 1 2 3 4 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसे एज अ कैरेक्टर ही लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए प्रिंट एलन की जगह पे हमें प्रिंट 1 ऐसे लिखना है, तो वहाँ पे हम कैरेक्टर जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर रहा है, यहाँ पे नंबर वहाँ पे नहीं स्टोर कर रहा है, उसको एज अ कैरेक्टर। तो 0 से 9 डिजिट्स तक आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एट द रेट जो है, हैश टैग जो होता है, अंडरस्कोर सिंबल होता है, एंड सिंबल होता है, ये सारे सिंबल्स आप कैरेक्टर में स्टोर करते हैं। और उसके लिए रूल क्या है कि जो कैरेक्टर होता है बस उसको और कुछ नहीं करना है आपको, ये सिंगल कोट में, ऐसे सिंगल कोट में आपको लिखना है, कैरेक्टर मैंने ए लिखा तो ऐसे सिंगल कोट में लिखा, एट द रेट मुझे लिखना है तो ऐसे करके सिंगल कोट में एट द रेट लिखा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर लिखने का एक तरीका है, आप उसको नॉर्मली ऐसे एट द रेट नहीं कर सकते, वो एक एरर है, क्योंकि वहाँ पे वो समझ नहीं पाएगा ये है क्या, इसका मतलब क्या है, उसका एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा कि कोई वेरिएबल है भाई शायद, और उसका एक वेरिएबल हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने ना डिफाइन किया है ना डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लगाएंगे जैसे एरर आपकी चली जाएगी। इसको करके हम देख लेते हैं एक बार, थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करके देख लेते हैं, क्या करते हैं कि हमने कैर जी लिखा और उस पर हम तुरंत एक वैल्यू डालते हैं, ए वाली ही वैल्यू डाल रहे हैं अपनी, और इसको या जो हमने ये लगाया था सिंगल कोट्स वो हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एरर आ गई, तुरंत एरर आ गई। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ कंपाइल कराने की कोशिश करते हैं। देखिए एरर आ गया तुरंत, कैनॉट फाइंड सिंबल ए। अब इसको क्या लग रहा है कि हमने जो ए लिखा है वो कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसको ए नाम का कुछ चीज़ पता ही नहीं है अभी तक, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया। देखिए ये जो ए बी सी डी ई एफ जी ये चीज़ें थी, ये उसको डिसाइड है, उसको पता है कि हाँ इनकी कोई वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए जो है उसका कोई मतलब ही नहीं उसको पता है,
कि कैपिटल ए क्या है, वहां पे एरर दे रहा है। एक चीज यहाँ पे देखिए कि देखिए हमने जो कैपिटल ए लिखा है वहां पे हमने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है कि इंटीजर टाइप का वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। मतलब इसका क्या है, इसको आप अगर एक सेंटेंस में कहें तो जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब इसका क्या है कि जावा में आप कैपिटल ए लिखेंगे और स्मॉल ए लिखेंगे उसका अलग अलग मतलब है। मतलब कि जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, देखिए अगर मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो वेरिएबल, अगर मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, अगर ए नाम का एक वेरिएबल मैंने फिर से बनाने की कोशिश की, देखिए यहाँ पे एरर देगा। क्या एरर देगा कि आपने ए टाइप ए नाम का वैल्यू पहले से बना दिया है, लेकिन अगर मैं इसको कैपिटल ए कर दूं तो इसको कोई समस्या नहीं है। देखिए कोई समस्या नहीं रह जाएगी, क्यों, क्योंकि कैपिटल ए अब एक अलग वैल्यू है, स्मॉल ए से अलग है। तो जावा में केस सेंसिटिव होता है, मतलब आप एक स्मॉल लेटर में लिखे एक बड़ा लेटर में लिखे तो उसमें कोई अंतर, मतलब दोनों में कोई समस्या नहीं, इजिली आप लिख सकते हैं, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब इसका आप यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, int name, एक वेरिएबल बना नेम, एक वेरिएबल हम और बनाएंगे नेम, देखिए एक वेरिएबल और बनाएंगे n, एक और वेरिएबल बनाएंगे n, a m e, एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ n a m e। अब देखिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे n होना चाहिए, कोई इसको समस्या नहीं है, जब आपने प्रोग्राम भी दिखा रहा है, सारे लिखे हैं नेम ही n a m e, लेकिन हमने क्या किया है कि किसी में कैपिटल कर दिया है किसी में स्मॉल कर दिया है। उसकी वजह से चूंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो उन दोनों को वो अलग अलग ट्रीट करती है, सेम नहीं ट्रीट करती है, तो उसको क्या लगता है कि ये दोनों दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसलिए इनको अलग अलग नाम से लिखा गया है, ये इसको कोई एरर नहीं दे रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि जावा क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब आप अगर इसको नेम को स्मॉल एन ए एम ई लिख रहे हैं तो अगर आपको फिर आगे यूज करना है तो आप स्मॉल में ही लिखिए, कैपिटल में लिखेंगे तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कहेगा कि वी कैन नॉट फाइंड द सिंबल। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल कैपिटल है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर देखिए मैंने ए यूज किया है, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक वैल्यू ए बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिखा, तो क्योंकि वो स्मॉल ए को जानता है कि एक वैल्यू है कैपिटल ए उसके लिए एकदम नया है, तो वहां पर एरर दे रहा है। ये लाइन मैं डिलीट करूंगा यहाँ से इसको। दूसरा यहाँ पे कैर जी, अब हम क्या करेंगे इसको एरर दूर करने के लिए, सिंपल अपना सिंगल कोट लगा देंगे। अब देखिए आप कोई एरर नहीं आएगी इजीली, क्योंकि क्यों, जब सिंगल जो कोट लगा दें तो क्या बन जाता है, कैरेक्टर बन जाता है। अब वहाँ पे आप जो है अंदर जो भी कैरेक्टर डाल दीजिए, कैपिटल ए की जगह मैं डाल देता हूँ, चलिए ये सिंबल एट द रेट, कोई से इशू नहीं, ईजिली आप कंपाइल करेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तरीका था हमारे वो बनाने का, नंबर्स बनाने का। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू, आप ये देखिए एक चीज कि हमने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके बनाए हैं, कितनी दिक्कत हो रही है इससे, हमको नहीं पता कि ए का ए वाला कौन सा है, ए वाला इंटीजर है कि एफ वाला कौन सा है। अगर हम यहाँ पे एफ यूज करेंगे कहीं पे तो हमें बार बार जाके पीछे देखना पड़ेगा कि एफ डबल टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है कि इंटीजर टाइप का है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे हमें याद भी नहीं रहेगा कि किस लिए हम वैल्यू बनाए थे। इसीलिए एक आपको, मतलब एक रूल नहीं है ये, एक आपको एक सलाह दी जाती है, सजेशन होता है कि आप जब भी वेरिएबल बनाएं तो उसका कोई एक कोई मतलब जो नाम हो उसका कोई डेफिनेटिव नाम हो, ऐसा कि उसका कोई डेफिनेशन निकले, कोई उसका मतलब निकले, मीनिंगफुल नेम्स आपको देने चाहिए वेरिएबल्स को। ये वेरिएबल्स का आप बताए ना कि आप कोई भी नाम देंगे जो एज फार एज वो उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सही हो वो एक्सेप्ट कर लेगा, इजिली एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आपको वेरिएबल के नेम्स वही देने चाहिए जिसका कोई मतलब हो, जिनको आप देखते ही जान जाए कि हाँ ये इस टाइप का वेरिएबल है, इसे मैंने इस काम के लिए बनाया था। इसलिए जो ए बी सी डी ई एफ करके अगर आप लिखते हैं तो गलत चीज़ है, उसको वैसा यूज नहीं करना चाहिए। ये प्रोग्राम में हम करते हैं क्या करते हैं, सीधा सबको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके सब वैल्यूज हम प्रिंट करके देखते हैं एक बार। सब वैल्यूज कैसे प्रिंट करेंगे, ये वाला लाइन हम डिलीट करेंगे यहाँ से, जो बी हम केवल प्रिंट कर रहे थे, क्या करेंगे ए कॉमा बी कॉमा, ठीक है, जी तक कितना वैल्यू,
एच भी है हमारे पास एच। अब इसको मैं कंपाइल कराता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। देखिए यहाँ पे लाल कलर की वो जो जिगजैग लाइन पहले से आ रही है, मैं उसको इग्नोर करके फिलहाल कंपाइल करना चाहता हूँ प्रोग्राम। क्लियर, ये देखिए ये सारी कितनी सारी इसमें क्या हुई, एरर्स आ गई। ये सारी एरर आ गई, सारी एरर्स क्या कह रही हैं कि प्रिंट एलन इज नॉट एप्लीकेबल, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। आपको यहाँ पे आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब केवल इतना है कि भैया आप जो कर रहे हो वो गलत है। क्या बता रहा है कि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो एक गलत तरीका है लिखने का। क्यों? क्योंकि जावा में जो प्रिंट एलन फंक्शन बता रहा है उसमें आप कॉमा करके आगे वैल्यूज नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना है, आपको ऐसा प्रिंट करना है कि कई सारी वैल्यूज आपको एक साथ में प्रिंट करनी है, आप क्या प्लस ऑपरेटर का यूज करो। देखो प्लस 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 सिंबल का हम यूज करेंगे, प्लस कॉमा की जगह पे सीधा में प्लस लिख देना बस। अभी देखिए यहां पे भी एक इशू आएगा, ठीक है, क्या इशू आएगा देखते हैं। कंट्रोल एस, यहां से अब एरर जो होगी, देखिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ पे फिर वो जिगजैग लाइन आ गई। कंपाइल करके हम सारा जो रिजल्ट्स रहेंगे वो कंपाइल करके चेक करेंगे कि क्या समस्या है। एक्चुअल हमको रिजल्ट पता होना चाहिए कि कंपाइल के होने पे कि क्या एरर आ रही है। ये देखिए, फर्स्ट टाइप डबल, सेकंड टाइप बुलियन, बैड ऑपरेंट टाइप्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर प्लस। क्या ये बता रहा है कि आप जो यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं वहां पे वो गलत आप तरीका लिख रहे हैं। क्या होता है एक्चुअली में, ये एक हमने एच जो बनाया था एक बुलियन टाइप की वैल्यू है, उसको प्लस ऑपरेटर से हम जोड़ नहीं सकते। प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, कंकैटिनेशन का काम करता है अगर वो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, जब तक वो स्ट्रिंग्स हैं तब तक वो कंकैट करता है, अदरवाइज क्या करता है जब वो नॉर्मल ऐसे वैल्यूज होंगे इंटीजर वैल्यूज तो क्या करेगा इन सबको ऐड कर देगा, ऐड करके वैल्यूज देगा। इसीलिए अगर आपको प्रिंट करना है, ये मैंने इसे बताया कि अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं कुछ तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना रहेगा, इसको यहाँ पे जितनी बार जो चाह रहे हैं प्रिंट कराना उतनी बार आपको लिख के प्रिंट कराना पड़ेगा। और इसका एक तरीका है, फिलहाल उसको हम अभी नहीं समझेंगे, हम फिलहाल अपना क्या करेंगे ए और बी करके प्रिंट कराएंगे। देखिए ये बेसिक, एक आप इसको बेसिक समझ सकते हैं। क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे और क्या 10 बार पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी 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 और 3 बार हुआ, कहाँ प्रिंट हो रहा है फिलहाल तो नहीं हुआ। शिफ्ट एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम सिंपली एक वन बाई वन सबको प्रिंट कर देंगे। ए था, उसके बाद बी है, उसके बाद क्या है बी, फिर उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद हाँ बस इतना ही था ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक था, इसके आगे हमें काम नहीं है तो इसके आगे हम डिलीट कर देते हैं। आपको ये बेसिक किसे समझ में आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रिंट हो गए थे, ठीक, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, चलिए कंपाइल हुआ, रन कराने के लिए क्या करना है, सीधा वही जावा और डेटा टाइप्स एंटर। देखिए सारी वैल्यूज प्रिंट होगा, 10 3.4 10 45 12 3.4 @ true, सारी वैल्यूज इजीली अपने आप जैसे हमने जिस तरह से हमने प्रोग्राम में अपने लिखा है उस तरह से सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गई हैं, ठीक है। अब ये तो हम समझ लिए, बेसिक हमारा होगा कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वेरिएबल्स, यहाँ पे आप देख लीजिए ए बी को अगर लिखना है हमें तो क्या करेंगे, सिंटैक्स इसका जो होता है आपको डेटा टाइप लिखना है वेरिएबल का, वेरिएबल का नाम लिखना है
और अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आपको बनाने के लिए वेरिएबल सिर्फ ये करना है, डेटा टाइप लिखना है इंट वाले में। देखिए डेटा टाइप हमने लिखा और फिर क्या किया, वेरिएबल का नाम लिख दिया, बस वेरिएबल उससे बन जाता है। मतलब क्या हो जाता है, ये काम जो होना है, ये क्या काम, ये वाला कि एक ऐसे जो बॉक्स मतलब एक मेमोरी लोकेशन बन के उसका नाम बन जाता है कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर होगी, ये काम हो जाता है। आगे जब आप ये लाइन लिखते हैं a इक्वल्स 10, तब आपका ये काम होता है कि a में यहाँ पे आके 10 वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप सीधा बाइट a बाइट c इक्वल्स 10 हमने लिखा, तो इससे ये दोनों काम एक ही लाइन में हो गए कि c नाम का एक वेरिएबल बना जो कि बाइट टाइप का है और उसमें 10 वैल्यू अपने आप तुरंत यहीं पर स्टोर हो गई एक ही लाइन में। तो ये तरीका था वेरिएबल बनाने का। और ये सारे हमने बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंटीजर, फ्लोट, डबल, करेक्टर, बूलियन, सारे टाइप के वेरिएबल्स हमने बना लिए और उनको यूज करना सीख लिया। बूलियन वाला ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, आप इसमें वैल्यू ट्रू डालिए या फॉल्स डालिए, दोनों वैल्यूज आप डाल सकते हैं। ट्रू मतलब ये कंडीशन सही है, आप वो कहीं पर यूज करेंगे तो ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज आप कहीं अगर फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू देगा। तो बूलियन में हम ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को हम कैसे डेटा टाइप्स में यूज करते हैं। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं जो रेंज वाला हमारा कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था, रेंज वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ये देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करके यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज को हम कमेंट में कर देते हैं। ठीक है, इतना सा हमारा कमेंट बन गया, मतलब ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, अब हमारा क्या करना है, हमको हम जो रेंज की बात कर रहे थे कि कितना रेंज होता है, क्या है था हमारा, देखिए बाइट का जो रेंज था, बाइट में कितना वैल्यू आ रहा था, बाइट में 256 तक। बाइट क्योंकि 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स में 256 माने 1 यानी 255 वैल्यूज केवल आ सकती हैं, 255 तक। और वो भी 255 कब आएगा, 255 कब आएगा, जब हम अनसाइंड वाला सिस्टम यूज करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया अनसाइंड मतलब प्लस माइनस का सिस्टम ना रखें, ऐसा तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ये सारे हम प्लस और माइनस दोनों लेकर के चलते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस भी लिखते हैं और माइनस भी लिखते हैं, तो यहाँ पे वो 255 ना होकर के 127 तक ही रहेगा, क्योंकि एक बिट जो हमारी होगी वो हमारे 0 या 1 यानी हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को स्टोर करने के लिए यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम कोशिश करते हैं, हमें पता है कि बाइट में कितना वैल्यू मैक्सिमम आ सकता है, 127 तक, हम कोशिश करते हैं 127 से बड़ी वैल्यू डालने की, 500, देखते हैं क्या होता है। देखिए तुरंत यहाँ पे एरर आ गया, क्या एरर आ गया कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। ठीक, मतलब आप जो वहाँ पे, ये तो वीएस कोड की फंक्शनैलिटी है, उसने पहले से आपको उठा के यहाँ पे दे दिया। मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, यहाँ पे हम जैसे हमें मान लें हम वीएस कोड नहीं यूज कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि अगर हम कंपाइल करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। देखिए तुरंत एरर आ गया, इनकम्पैटिबल टाइप, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट, याद है ना, वही जो पहले अभी एरर आया था डबल टू फ्लोट वाला। इंटीजर, अब यहाँ ये क्या जान रहा है कि 500 जो है वो इंटीजर की रेंज में आ रहा है, तुरंत कह रहा है कि भाई आप, ये इंटीजर वैल्यू है, आप इसको बाइट में स्टोर कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ये गलत तरीका है आपका। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, वो इसने बता दिया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू बाइट। ठीक, तो ये था, अब उसको ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको 500 नहीं रख के सीधा अपना 10 या 15 20 25 जो भी है इतना वैल्यूज रखते हैं, 30 हमने सो, कोई एरर नहीं है, एरर अपने आप चली गई। तो इसीलिए मैं जो आप सबसे पहले लाइन बोला था कि हम नॉर्मली इंटीजर ही यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि बाइट और शॉर्ट की जो वैल्यू होती है, मतलब जो रेंज होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर हम नॉर्मल काम भी करें, किसी से एज एंटर करा रहे हैं, किसी से कोई वैल्यू एंटर करा रहे हैं, नॉर्मल वैल्यूज भी एंटर करा रहे हैं, तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, बार बार हमको एरर आएगी। इंटीजर की चोर की रेंज कितनी होती है, वो 2 लाख करके कुछ थी जो हमने पिछली बार में भी देखा था, वो उतनी रेंज होती है, तो वहाँ पर हम नॉर्मली उतनी वैल्यूज पर नहीं जाते, उतनी हाई वैल्यूज पर नॉर्मल नीचे ही रहते हैं, तो वो हमारे नॉर्मल काम के लिए, प्रोग्राम नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए काफ़ी होता है, सफिशियंट होता है, इसलिए हम नॉर्मली इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर करते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ही यूज़ करते हैं। हम बहुत ही रेयरली जब हमें पता होता है एग्जैक्टली कि हमें इतना छोटा वैल्यू ही स्टोर करना है और मेमोरी की बहुत कमी रहती है हमारे पास, तब हम भी बाइट और शॉर्ट टाइप की वैल्यूज को यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो इससे आपको आई होप कि रेंज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एक बड़ी वैल्यू को छोटी में स्टोर करेंगे तो वहाँ पर ओवरफ्लो का चांस रहता है
और जो मैंने बताया था आपको, आप सेम चीज़ अगर किसी और लैंग्वेज में करेंगे जिसमें ये पहले से फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो इसको चेक करे, वो आपको अलाउ करेगा। वहाँ पे क्या होता है कि जितनी इसकी रेंज है, मतलब आप 127 तक स्टोर कर सकते हैं, आप उसको 500 अगर आप उसमें स्टोर करेंगे, 500 आप उसमें स्टोर करेंगे, तो क्या करेगा वो 127 स्टोर करेगा, बाकी वैल्यूज को निगलेक्ट कर देगा, जितना उसमें स्टोर हो सकता है उतना स्टोर होगा। या नॉर्मल वो कंटेनर वाला एग्जाम्पल था कि अगर आपके पास 15 लीटर पानी था, 5 लीटर में आप डालेंगे तो 5 लीटर आपके पास स्टोर होगा, बाकी 10 लीटर इधर उधर चला जाएगा, बह जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, और वो आपके प्रोग्राम को बहुत ही खराब बना सकती हैं। हो सकता है आपने वैल्यू स्टोर की 500 स्टोर की, आपने ध्यान नहीं दिया कि ये वैल्यू इसमें इतनी बड़ी स्टोर नहीं हो सकती, आपको कंपाइलर ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं की, और आप जब उस वैल्यू को आप यूज़ करने लगे तो पता लगा क्या हुआ, वो एक गलत वैल्यू आ रही है आपके पास, आपने 500 स्टोर किया था, आपको 127 मिल रहा है। इसीलिए जो हम कहते हैं जावा का फीचर एक रोबस्टनेस, किसके प्रोग्राम से बनते हैं रोबस्ट होते हैं, तो अगर ये छोटी छोटी गलतियां आप जो आपको भारी नुकसान कर सकती हैं, वो आपको कंपाइलर पहले ही बता देता है कि आप वो गलतियां कर ही ना पाए, तुरंत हमको ये मैसेज आ गया कि आप एक गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट जिसको हम दिखाते हैं कि जावा को क्यों इतना रोबस्ट लैंग्वेज माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत फोकस किया गया है कि आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां करें जो प्रोग्राम को मतलब नुकसान कर दे, प्रोग्राम को क्रैश करा दे आगे चल के, वो आपको मना कर दिया जाता है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप करें ही ना पहले ही प्रोग्राम में। इस तरह से इसने आपको वेरिएबल्स में इस तरह इस लेवल पे भी, मतलब वेरिएबल्स बनाने के लेवल पे भी आपको ये फीचर्स उसमें दिए गए हैं। तो ये था हमारा वेरिएबल्स के बारे में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये डेटा टाइप्स थे, इनको हमने यूज़ किया। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम अपने खुद के एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर कहें खुद के सीखने के लिए करेंगे। क्या करेंगे, प्रोग्राम क्या रहेगा हमारा, दो नंबर्स को ऐड करने का। ठीक है, प्रोग्राम हम क्या लिखेंगे, दो नंबर्स को ऐड करने का। प्रोग्राम हमें ऐड वाला लिख चुके हैं करने का। अब की बार हम क्या करेंगे, हम छोटा सा चेंज करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में जो वैल्यूज डालेंगे वो फ्लोट टाइप की वैल्यूज डालेंगे। उससे क्या होगा कि हमको ये समझ में आएगा कि फ्लोट टाइप की वैल्यूज को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें आपको डेटा टाइप में बचा नहीं है। डेटा टाइप में आप ज़्यादातर चीज़ें हम जान चुके हैं, उसके रेंज के बारे में जान चुके हैं, कैसे उसमें वैल्यूज स्टोर करती हैं, क्या कीवर्ड्स लिख के हम वो डेटा टाइप की वेरिएबल बनाते हैं, ये सब हमको पता है। एक एग्जांपल छोटा सा करते हैं, फिर हम अगले अपने टॉपिक पे चलेंगे। कौन सा टॉपिक, यहाँ पे क्या नाम लिखूँ मैं, चलिए नाम लिखने के लिए हम लिखते हैं ऐड फ्लोट। क्या लिखते हैं हमने, ऐड फ्लोट डॉट जावा। इससे क्या होगा, ऐड फ्लोट नाम की एक क्लास देखिए हमारे बन के आ गई, ऐड फ्लोट डॉट जावा, ये हाँ ऐड फ्लोट डॉट जावा। अब इस क्लास को हमें यूज़ करना है, क्लास इसने बना के दे दिया, हमने क्या लिखेंगे, कमेंट एक डाला हमने, प्रोग्राम टू ऐड टू फ्लोट वैल्यूज। तो फ्लोट टाइप की वैल्यूज को ऐड करना है हमें, तो क्या करेंगे, जाएंगे इसके अंदर और लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्च। ठीक, ये लिखा हमने। अब हम क्या लिखेंगे, फ्लोट टाइप की दो वैल्यू बनाएंगे, फ्लोट नम वन और नम टू। क्या लिखा हमने, नम वन नम टू नाम के दो वेरिएबल्स बना लिए। कैसे वेरिएबल्स का जो नेमिंग होता है इसके बारे में भी हम एक डिटेल क्लास में चर्चा करेंगे कि ये जो हमने नम वन नम टू लिखा है इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या नेम्स वेरिएबल के पॉसिबल हो सकते हैं। उसके लिए पहले हमें कीवर्ड्स जानने पड़ेंगे, फिर आगे हम चलेंगे उस पर। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ये लिखते हैं, आप ये जान लीजिए कि नम वन और नम टू नाम को मैंने एक वेरिएबल बनाया, दो वेरिएबल्स बनाए फ्लोट टाइप के। अब क्या करेंगे, देखिए एक जो हमने कई सारे वैल्यूज बनाए, कई सारे वेरिएबल बनाए, उनको लिखने का एक तरीका क्या है कि जैसे मैं एक तो ये तरीका ये है फ्लोट नम वन और उसके बाद फिर दूसरा नंबर बनाना है फ्लोट नम टू, ऐसे लिखूं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको 10 वेरिएबल्स बनाने हैं जो फ्लोट टाइप के होंगे तो क्या ऐसे प्रॉब्लम होगी ना ऐसे लिखने में। इसलिए जावा ने आपको एक कास्केडिंग का फीचर दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा करके अगली वैल्यूज आप जितना चाहें कॉमा लगा के, जब तक आपको सेम डेटा टाइप का बनाना है आप फ्लोट लिख करके एक बार आप फ्लोट लिखिए, बाकी सारे वेरिएबल्स को कॉमा लगा के आप नाम लिखते जाइए, वो सारे वेरिएबल्स आपके एक लाइन में ही बन जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, आपको
प्रॉब्लम्स को आपकी जो ये प्रॉब्लम थी कि आपको अगर कई वेरिएबल्स बनाने हैं उसके लिए उसको दूर कर दिया है इसने। अब नम वन नम टू नाम का दो वेरिएबल हमने बना दिया, एक ही लाइन में बना दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू देंगे। नम वन इक्वल्स 20.5। याद रखना है यहाँ पे एफ लिखना है हमको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डबल टाइप के होते हैं एफ। और ये देखिए आप, ठीक यहां पे देखिए एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि कॉमा से हम केवल डिक्लेरेशन को सेपरेट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब जो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल को बनाया। लेकिन वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन जो होती है, मतलब वैल्यूज को जो इनिशियलाइज करते हैं, वो हम कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हमें एक सेमी कॉलन से या एक से सेपरेट करना ही करना होगा। सेमी कॉलन लगा दिए, मतलब ये एक स्टेटमेंट का एंड है, ये एक अपने आप में पूरी एक स्टेटमेंट है। इससे हमने क्या बताया प्रोग्राम को कि ये अपने आप में पूरी एक स्टेटमेंट है। नंबर 20.5 मतलब हमने 20.5 इसमें स्टोर कर दिया। और यहाँ पे देखिए वहाँ पे वो एरर आ रही है, एफ हमने नहीं लिखा है, एफ लिख दिया, सेव हो गया पूरा, मतलब सही हो गया हमारा। मतलब कि आप डिक्लेरेशन तो एक लाइन में कर सकते हैं कई वेरिएबल्स का, लेकिन आपको अगर इनिशियलाइजेशन करना है या वैल्यूज आपको डालनी है तो आपको ये लाइन आप ये कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, एक ही लाइन में लिखें, लेकिन उसको सेपरेट करने के लिए हमको ये सेमी कॉलन यूज करना पड़ेगा। और सेमी कॉलन का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप सेमी कॉलन के बाद एक फिजिकली एक न्यू लाइन एंटर कर दें। जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक ही लाइन में अपना लिख के चलाते हैं। क्यों? क्योंकि जावा जो लाइन का सेपरेटर यूज करता है, जैसे लाइन को तोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक एंटर का यूज करते हैं, एक न्यू लाइन का यूज करते हैं। जावा ये नहीं यूज करता, जावा स्टेटमेंट को एंड करने के लिए ये सेमी कॉलम, जैसे ही उसको एक सेमी कॉलम मिला उसके लिए लाइन खत्म हो गई। अब आप एक एंटर दबा के आप इससे क्या होता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। आप उसको लिखने, आपको पढ़ने में आसान होगा कि नम वन और नम टू एक लाइन में बन गए, फिर नम वन को 20.5 दे दिया गया और नम टू को 30.6 दे दिया, क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यूज थी। अब हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू बनाएंगे, फ्लोट सम। तुरंत हमने वैल्यू बनाई, तुरंत इसमें वैल्यू हम डाल देंगे। कैसे डालेंगे, नम वन और नम टू को ऐड करके, नम वन प्लस नम टू, सेमी कॉलन लगाया, स्टेटमेंट बंद। याद रखिए हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कॉलन, ये फंक्शंस के स्टार्ट लास्ट में नहीं होता है, कि फंक्शंस के अंदर हमें कुछ लिखना होता है। यहाँ पे अपने आप में एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, अगली स्टेटमेंट रहेगी उससे इंडिपेंडेंट रहेगी, इसकी वजह से हमें इसके लास्ट में एक सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। अब सम इक्वल्स नम वन प्लस नम टू हमारे में आ गया, अब हम इजिली सम को प्रिंट कर सकते हैं। देखिए सिस्टम द आउट द प्रिंट प्रिंट एलन क्या सम, ठीक यहां से हमारा सम इजिली प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस से हमने सेव किया, टर्मिनल में गए, CLS क्लियर था हमारा पहले से ही, जेवैक। अब यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है, add float dot java कंपाइल हो गया, addFloat.class नाम की फाइल भी हमारे पास बन गई। अब हमें क्या करना है, सीधा इसको रन कराना है, क्या लिखेंगे, जावा एड फ्लोट, सॉरी कहाँ लिख गया ये, इसे रिमूव करना है, रिफ्रेश करना नहीं, यहाँ पे लिख दिया हमने, इसकी जगह पे हमें यहाँ पे लिखना है अपने टर्मिनल में, जावा एड फ्लोट, ठीक। ये देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, MAIN के जगह पे गलती से हमें MIAN लिख दिया, उसको क्या लग रहा है, वो भी एक फंक्शन है, फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल उसने लिखा है कि वहाँ पे उसने लगा कि MIAN नाम का एक फंक्शन बना है जो कि गलत है। अब वो क्या कर रहा है, देखिए हमने कहा था कि आप जब जावा कमांड लिखेंगे तो उसके सामने आपको मेन क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, मतलब वो क्लास जिसमें मेन मेथड डिफाइंड है। यहाँ पे उसको कोई मेन मेथड मिला ही नहीं, मेन फंक्शन कोई मिला ही नहीं, उसने तुरंत हमें एरर दिया कि हम भाई मेन फंक्शन हमें नहीं मिल रहा है, आप अपने प्रोग्राम फिर से चेक कीजिए। हम क्या किए, हमने देखा कि अब मैंने क्या कहा था आपको, एरर दूर करने का तरीका,
कि एरर या तो उस लाइन में होगी या उससे अलग लाइन में होगी। यहाँ पे लाइन नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे एक जनरल मैसेज दे रहा है कि हमको मेन फंक्शन ही नहीं मिल रहा है जहाँ से हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा प्रोग्राम में कि हमने मेन फंक्शन बनाया है कि नहीं। मैंने चेक किया क्योंकि मैंने मुझे लग रहा था मैं मेन फंक्शन बनाया हूँ, लेकिन गलती से हमारा एम ए आई एन की जगह एम आई ए एन लिख गया था, जो कि गलत नहीं है एक्चुअली में, जो कि सही है पूरा, लेकिन वो मेन फंक्शन नहीं है, वो एम आई एन करके एक दूसरा फंक्शन है। तो उसको हमने एम ए आई एन लिखना है और फिर से सेव करके हम फिर से आप कंपाइल कराएंगे। कंपाइल भी इजिली हो जाएगा, कंपाइल हो जा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर्स नहीं है। कंपाइलर क्या देगा हमें, सिंटैक्स एरर्स देगा, लेकिन ये इसको हम कहेंगे रन टाइम एरर कर सकते हैं हम, कि रन जब कराते हैं तब समस्या हमको आ रही है। तो आप इसको अब रन कराएंगे, अब होपफुली रन हुआ। अब देखिए 51.1 दोनों का सम हुआ 651 जाके 50 30 और 20 50 और प्लस वन उधर से आया 51.1 ईजिली प्रिंट होगा यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे, ठीक है। तो ये इजिली तरीका है, हम बहुत ईजिली आपने प्रोग्राम्स को लिख करके और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ईजिली हम कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में डिटेल में हम और पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। फिलहाल आपको ये जान गए हैं आप प्रोग्राम लिखना, कि एक प्रोग्राम लिख करके एक क्लास सबसे पहले आप बनाइए, क्लास के अंदर मेन फंक्शन लिखिए, मेन फंक्शन के अंदर आप अपने वेरिएबल्स बनाइए जो डेटा टाइप्स हैं उनको लगा करके आप अपने वेरिएबल बनाइए, वेरिएबल को वैल्यू दीजिए, उसके साथ आप जो करना है ऐड सब्ट्रैक्ट करना है आप इजिली करके यहाँ पे चला सकते हैं। और इजिली आप एक छोटा सा एक कैलकुलेटर जैसा आप प्रोग्राम बना सकते हैं, जो कि आप वैल्यूज को ऐड कर दें, आप चाहें तो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो भी करना है आप करा सकते हैं। जैसे एडिशन के लिए बनाना हो तो एडिशन करा दें, यहाँ पे ऐड लिख दीजिए, आप यहाँ मैंने माइनस लिए हैं तो माइनस के लिए बनाएगा, प्लस लिखें आप वहाँ पे मल्टीप्लाई लिए मल्टीप्लाई के लिए बनाएगा। आगे चल के हम ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप क्या कराना चाहते हैं, ऐड कराना चाहते हैं कि सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं कि क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड, और वहाँ पे हम जो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन मतलब हम जो ऑप्शन टाइप करेंगे वो ऑप्शन यहाँ से आएगा, वो काम होगा। उसके लिए भी बहुत मज़ेदार प्रोग्राम्स बनेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एक पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिलहाल हम एक कमांड लाइन में चल रहे हैं, कमांड से हमें डाल के करना है। आप ऐसे ही यूज़ करके प्रोग्राम से ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिसमें आप बटन्स वगैरह यूज़ करें। जैसे ये प्रोग्राम बना है ना, इसमें अलग अलग बटन से यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ होता है, यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ होता है, ये आप क्रॉस के बटन क्लिक किए क्लोज हो जाता है, क्लियर के बटन यहाँ पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आप टर्मिनल में जाना है, यहाँ पे ऐसे कुछ देता है राइट क्लिक करना है, क्लियर क्लिक कर दिया अपने आप क्लियर हो गया, हम कमांड से कर रहे थे। ये सब भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें उसके लिए बेसिक्स सीखने पड़ेंगे इस तरह से, जिसमें हमने अपना जो डेटा टाइप्स है डेटा टाइप्स वाला चैप्टर क्लियर कर लिया है कि डेटा टाइप्स कैसे होते हैं और कैसे इनका यूज़ करते हैं। अब इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसको करके हम डेटा टाइप्स में एक और इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अभी आपने बताया हमें आपकी जैसे हमने कई सारी वैल्यूज बनाई थी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डेटा टाइप्स डॉट जावा में ये देखिए कई सारे प्रिंट किए थे ना, बार बार हमको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी थी। इसका एक तरीका है जो हमने कहा था कि आप इसको ऐसे नहीं प्रिंट कर सकते कई सारे सिंबल्स को एक साथ में, इसका एक तरीका आप कर सकते हैं कि जैसे आप अगर आपको प्रिंट करना है कोई वैल्यू और आपको इस तरह से नहीं करना है, मतलब आपको कई सारी वैल्यूज मान लीजिए हम ए और बी दोनों की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है। अभी फिलहाल मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ, ये अभी आपके टॉपिक में नहीं है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि आप एक छोटे से अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स अपने खुद से कर सकते हैं। याद रखिए आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, बराबर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रोग्राम्स की, अदरवाइज केवल समझ लेने से प्रोग्रामिंग आपको नहीं आएगी। आप एक बार समझ तो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन जब तक आप उसको रियली में खुद से प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे, अपने मन से प्रोग्राम अपने मन से कुछ सोचिए कि जैसे मुझे एक जावा का प्रोग्राम बनाना है, क्या करेगा वो, हम दो वैल्यूज लेंगे, दो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और उनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है, उनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर कैसे आती हैं, क्या स्टोर होती हैं, क्या होना होता है, वो देखेंगे हम आगे चल के। और उसे देखिए कैसे आपको अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स आपके दिमाग में आएंगे, आप अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स लिख सकते हैं। फिर उनको थोड़ा सा प्रिंट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे। सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंटलन आपको अगर लिखना है, जैसे हम यहाँ पे ए बी सी सीधा प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा मैसेज आ रहा है, सीधा 15.1 या 51.2 लिख के आ रहा था। याद है आपको हमने जो हेलो वर्ड वाला एप्लीकेशन बनाया था, जो हेलो वर्ड वाला प्रोग्राम बनाया था, उसमें क्या किया था हमने,
सिंपल हम जब लिखते तो एक मैसेज प्रिंट करता था, हेलो वर्ल्ड था ना, या वेलकम टू जावा, ये सब प्रिंट करता था। हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, मतलब हमारा मैसेज भी प्रिंट हो जो हम पहले से चाह रहे हैं, और फिर हमारा रिजल्ट भी प्रिंट हो जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से सी इन टू सी इक्वल्स ए प्लस बी। उसको करने का क्या तरीका है, आप अपना जो मैसेज है उसको पहले लिख दीजिए, ठीक है। मैसेज हमारा क्या है, हम जैसे लिखते हैं सम इज, ये देखिए आप ये लिखिए, मैंने क्या सम इज, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 51.1 वैल्यू आ रही है ये इन दोनों वैल्यूज का सम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम इज, मतलब हमारा जो मैसेज है वो लिखेंगे, कैसे मैसेज लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर, याद है ना कि जो भी आपको लिखना होता है, जो भी आप प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर लिख करके फिर आपको लास्ट में क्या करना है, जो ब्रैकेट बंद हो रहा है उससे पहले ही आपको प्लस ऑपरेटर लगाना है, एक प्लस मतलब सिंबल लगाना है, और उसमें लिखना क्या है, अपना जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे सी मैंने प्रिंट कराना है, मैं सी लिख दिया, एंटर। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, यहाँ पे जो प्लस वाला सिंबल है वो दोनों को ऐड नहीं करेगा। हम नॉर्मल क्या सोचते हैं कि अगर प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों को ऐड कर दे रहा है, मतलब 30 और 20 को ऐड करके सम कर रहा है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे आप ऑपरेटर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगी। इससे इस फीचर को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है कि सम वाले में ये जो लिखा है हमने जो मैसेज, इसमें इसको उठा के एज इट इज जो इसकी वैल्यू है उसको उठा के उसके साथ में जोड़ देता है खाली बस। ऐड मतलब दोनों को मैथमेटिकली ऐड नहीं करता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक मैसेज है, उसमें एक नंबर को कैसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो उठा के उसको बागल में जैसे कहते हैं चिपकाने का, चिपका देता है। अगर आप समझिए सम इज का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, उसके बाद आपका सी का जो वैल्यू है वो उसके बगल में प्रिंट कर देगा। इसको मैं कंपाइल करके आपको रन को दिखाता हूँ। कंट्रोल एस से सेव हुआ, यहाँ पे गए हम, टर्मिनल को अपने क्लियर किया, और फिर क्या करेंगे, हम इस कंपाइल करेंगे जावा एड फ्लोट डॉट जावा, कंपाइल हो गया, रन करेंगे जावा एड फ्लोट। देखिए यहाँ पे एड फ्लोट नाम का ही फंक्शन है, हाँ अच्छा, यहाँ पे हमने दूसरा प्रोग्राम बनाया है जिसमें एड डॉट जावा है। अच्छा, ये एड डॉट जावा में हम चेंजेस हमने किए हैं, क्या किया है हमने, एड डॉट जावा में चेंजेस किए हैं। इसको हम क्लोज करते हैं, एड फ्लोट वाला जो था इसमें चेंजेस करते हैं, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम हमने जो केवल लिखा था, केवल सम हमारे पास प्रिंट होकर आ जाता था 51.1। हम उसको थोड़ा और सुंदर बनाना चाहते हैं कि यूजर को बताएं कि भैया ये सम है, तो क्या लिखेंगे हम, सम इज के बाद ये डबल कोट्स खत्म, और प्लस लगा के, प्लस सिंबल लगा करके सम जो हमें वैल्यू और प्रिंट करने साथ में वो कर देंगे। ये क्या करेगा, इस वाली इसकी जो वैल्यू है उसको उठा करके साथ में जोड़ देगा। अब इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। कंपाइल किया पहले हमने, इजीली कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, रन कराए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक बहुत सुंदर सा मैसेज लिखा है, सम इज 51.1, मतलब आपका जो सम है, जो योग है दोनों का, वो 51.1 है। इसको एक और तरीका है आपका, कैसे, आप देखिए यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ सम इज की जगह पे सम स्पेस करके एक मैसेज, एक स्ट्रिंग लिखा मैंने, एक मैसेज लिखा, प्लस आप यहीं पे लगा दिए सम ऑफ, मैसेज मैंने लिखा सम ऑफ, और प्लस नम वन, प्लस देखिए आप थोड़ा सा एंड स्पेस प्लस नम टू प्लस इज। इसका भाई क्या मतलब है, बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन देखिए कितना बढ़िया है आउटपुट देगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्ट्रिंग लिखी, क्या करता है ये वाला प्लस वाला ऑपरेटर जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो उठा के उसको चिपका देता है नहीं, ऐड कर देता है, उसके बगल में चिपका देता है। तो सम ऑफ इसे प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, पूरा स्टेटमेंट सम ऑफ प्रिंट करेगा, उसके बाद सम ऑफ के बाद हमने स्पेस दिया सम ऑफ स्पेस, उसके बाद स्पेस लिख करके नम वन की वैल्यू यहाँ पे रख देगा बगल में, तो क्या आएगा सम ऑफ 20.5 वैल्यू प्लस स्पेस एंड स्पेस, मतलब 25 लिखेगा, उसके बाद स्पेस प्रिंट करेगा यहाँ से, फिर एंड प्रिंट करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा नम टू की वैल्यू, यानी 30.6 एंड नम टू इज है। अब देखिए कितना गजब आएगा, कितना सुंदर से आएगा, क्लियर करते हैं इसको। अब इसको मैसेज क्या देना चाहिए, हम इसको वैल्यूज को चेंज करते हैं, 20.5 की जगह पे हम 34.5 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 20
29.6 और कंट्रोल एस करके आप कंपाइल कराते हैं। देखिए कैसे बढ़िया पर्सनलाइज, इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन एक हिसाब से कहते हैं, मतलब कि जो सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको रीडेबिलिटी भी उसकी बढ़ जाएगी, उसको समझ में आएगा कि भाई मैंने यहाँ पे जो दो वैल्यूज थी ये और ये इनका सम है ये। अभी तो हम लिख रहे थे सम इज दिस, अब उसको ये समझ में नहीं आता कि किस चीज़ का सम है, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब उसको एकदम क्लियर मैसेज मिला यूजर को कि सम ऑफ नम वन का जो वैल्यू है एंड सम ऑफ जो दूसरा है नम टू का वैल्यू इज दिस, और दिस में क्या आएगा सम। कंपाइल करके अब इसे रन करते हैं, ये देखिए देखिए अब लिख के कितना बढ़िया से लिखा है, सम ऑफ 34.5 एंड 29.6 इज 64.1। ठीक, तो ऐसे आप मैसेजेस अपने आप प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ट्रिक बताई आपको कि आप प्लस का यूज करके, प्लस सिंबल का यूज करके आप जहां भी आपको तोड़ना है आप डबल कोट में अंतर अपने मैसेज लिखिए, प्लस करके आपको बीच में जो लगाना है वो प्लस में आप लिख के बीच में लिख दीजिए, फिर प्लस लगा के आपको जो अपना आगे मैसेज लिखना है वो लिखिए, फिर आगे ऐसे आप कर सकते हैं। ये वाला मैसेज हमने लिखा, प्लस करके अपना वेरिएबल लिखा, फिर ये वाला मैसेज लिखा, फिर वेरिएबल लिखा, फिर प्लस करके ये वाला मैसेज लिखा, फिर वेरिएबल लिखा अपना, और इससे हमारा जो सीक्वेंस हमारा लिखा है उसी सीक्वेंस में देखिए कितना अच्छे से सम ऑफ 34.5 एंड 29.6 इज 64.1 ये प्रिंट होके आ गया। इसलिए तो ये तरीका है आप सम जो प्लस यूज करके बढ़िया से आप मैसेजेस प्रिंट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं होमवर्क आप कह लीजिए, छोटी सी एक्सरसाइज कि आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे हम वैल्यूज को एंटर करते हैं प्रिंट करते हैं, हमें पता है कि बाइट का जो रेंज होता है वो केवल 127 तक होता है, 127 तक वैल्यूज में स्टोर हो सकती है। हम जब उसमें फिजिकली वैल्यू स्टोर करते हैं, क्लियरली एक वैल्यू रखते हैं, तो वो क्या होता है कि नॉर्मली 127 तक स्टोर हो जाता है, 127 के ऊपर स्टोर नहीं करता है। हम क्या करना चाहेंगे अभी कि एक आप प्रोग्राम बनाइएगा, उसमें क्या कीजिए, नॉर्मल सा प्रोग्राम आपको बनाना है, दो बाइट टाइप की वैल्यूज बनाइए, दो बाइट टाइप की यानी आप बाइट के लगाइए, बाइट वाले ऑपरेटर को मतलब बाइट वाले कीवर्ड को लगा करके दो बाइट डेटा टाइप की दो वेरिएबल बनाइए। क्या करना है, बाइट डेटा टाइप के दो वेरिएबल बनाइए, मैं बनाऊंगा नहीं प्रोग्राम करूंगा नहीं, एक ए बनेगा और एक बी, ये बाइट टाइप के दो वेरिएबल्स रहेंगे जो बाइट टाइप के रहेंगे बाइट वाले। याद रहेगी जब आपको कीवर्ड लिख के बनाना होता है डेटा टाइप तो ये बी स्मॉल रहता है बाइट का, हर आपको जो डेटा टाइप रहेगा उसका पहला लेटर स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा, उसका नाम कैपिटल बी से रहता है लेकिन जब हम उसको प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो स्मॉल बी से लिखते हैं, सबको इंटीजर को भी ऐसे स्मॉल आई से लिखते हैं। ऐसे आप दो वैल्यू बनाइए और इनको कोई वैल्यू असाइन कर दीजिए, कोई छोटी वैल्यू जो मतलब 127 के अंदर हो, या 10 एक को दे दीजिए, एक को 20 दे दीजिए, और फिर क्या कीजिए एक तीसरा बाइट टाइप का ही बनाइए सी नाम का, उसमें आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए मतलब ए इंटू बी करके स्टोर कीजिए। अब देखिए क्या होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जावा को नहीं पता है कि ए इंटू बी का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ पे आप देखिए क्या आपको एरर देता है कि आपको प्रोग्राम कंपाइल होकर आपका रन होता है, और अगर रन होता है तो क्या रिजल्ट आता है ये आप देखिए, और अच्छे से एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आपके लिए रहेगा। और भी एक्सपेरिमेंट्स आप अपने बुक से देख करके या आप खुद से देख करके आप कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रोग्राम उस पर। तो इसमें इस वाले क्लास में बस इतना ही, आप ये देखिए और इसको आप अच्छे से समझिए कि आप एक बार जो पूरा वीडियो को देख करके ग्रोक करके अपने दिमाग में पूरे वैल्यूज को डिवाइस कीजिए, उसके बाद एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वीडियो आप स्पेशली एक बार और देखिए, तुरंत देखिए या एक दिन बाद देखिए, लेकिन जरूर देखिए एक बार, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डेटा टाइप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी जो वैल्यूज आपके आप आगे प्रोग्राम्स करेंगे उसमें डेटा टाइप्स का ही खेल रहेगा, बार बार आपको बार बार वेरिएबल बनाने रहेंगे, उनको यूज करना रहेगा, और अगर आपको अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो आपको आगे बहुत सारी एरर्स आएंगी, आप उनको समझ नहीं पाओगे, और अगर प्रोग्राम करते समय आपको कोई एरर्स आती हैं तो आप नीचे पूछिए या आप गूगल पे भी चाहिए तो सर्च करें, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है कोई अच्छा आप हमें कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे अगले वीडियोज में जब हम रहेगा हमारा उसमें देखेंगे वो एरर्स को रिजॉल्व किया जाएगा कि ये एरर अगर आप में आ रही है तो उसको हम यहाँ पे बताएंगे कि ये एरर क्यों आती है और उसका सोल्यूशन क्या होता है। और एरर से ये याद रखिए कि एरर से आपको कभी घबराना नहीं है, एरर से आपको कभी गुस्सा नहीं करना है कि अरे यार प्रोग्राम में तो एरर आ गई, एरर से आपके सीखने का बहुत बड़ा तरीका है, बहुत अच्छा सोर्स है। आप लिखते हैं देखिए, हम लोगों ने अभी लिखा था कि मेन वाला एम आई ए एन आया था, हमने एम आई ए एन लिख दिया था, कंपाइल हो गया था, रन होने में कह रहा था कि आपके पास मेन नहीं है, आप वहीं परेशान होकर छोड़ दें तो अलग ही बात है, आपको अगर सीखना है तो आप क्या कीजिए देखिए कि क्या एरर बता रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, और फिर अगर आपको लाइन नंबर दे रहा है कि इस लाइन में आपके एरर है
तो आप उस लाइन पे जाइए और एरर को अपने वहाँ से दूर कीजिए, फिर से प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए। यह सीखने का बहुत सही तरीका है, बहुत बहुत ज़रूरी फेज़ है जिससे आपको गुजरना चाहिए। आप एरर्स का सामना कीजिए, उनको रिमूव कीजिए खुद से और उनका रिजल्ट अपने आप से निकालिए। तो आप इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।